कानपुर नगर से है। कानपुर में हुए दंगों के बाद प्रशासन हुआ सख्त। पीस कमेटी की बैठक में एसडीएम सीओ ने भ्रामक अफवाह फैलाने वालों को दी सख्त चेतावनी। संदिग्ध व्यक्तियों पर रखी जाएगी नजर। नरवल उप जिलाधिकारी आयुष चौधरी व क्षेत्र अधिकारी सदर ऋषिकेश यादव के नेतृत्व में महाराजपुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई। बैठक में कस्बे के सम्मानित लोगों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता और सपा कार्यकर्ता एवं मुस्लिम धर्म गुरुओं और कस्बा वासियों में चर्चा की गई। नरवल एसडीएम व सीओ सदर ऋषिकेश यादव ने बैठक में कहा कि आप लोग किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें और ना ही किसी प्रकार का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। अगर कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने का प्रयास करे तो ऐसे में स्वयं निर्णय न लेकर तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दें। मंदिर मस्जिद के आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी सूचना फौरन पुलिस को दें। अगर कोई मंदिर में कोई बड़ा आयोजन कर रहा है तो इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। सीओ ऋषिकेश यादव ने कहा कि सोशल मीडिया पर जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या दंगा भड़काने ऐसी अफवाह फैलाना साइबर क्राइम माना जाता है। सोशल मीडिया में इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चले कि बीती शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद शहर के बेगमगंज थाना क्षेत्र में नई सड़क इलाके में सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली। पुलिस के मुताबिक नमाज के बाद कुछ लोगों ने वहां की दुकानों को बंद कराने का प्रयास किया, जिसका विरोध दूसरे पक्ष के लोगों ने किया। इस बात को लेकर आपस में टकराव हुआ और पत्थरबाजी की घटना हुई, जिसके बाद शहर से लेकर गांव तक का प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए महाराजपुर थाना परिसर में पीस कमेटी की बैठक की गई। वायरल वीडियो ऐसे किया जाएगा कि देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थर चल रहे थे, हिंदू पक्ष की तरफ से पत्थर चल रहे थे, दोनों पक्ष अपना पत्थर चला रहे थे, दोनों गलत थे, दोनों पताही थे, दोनों दंगाई थे, और जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी। और यहाँ ये भी मैं कह रहा, अगर यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा होता है कभी भी भविष्य में कहीं पर भी आप रहोगे तो जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल आउट राइटली जो है उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है। ठीक है, वो चाहे बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अपराधी की कोई जात नहीं है। समुदाय नहीं है, खामियाजा आम लोग तो करके भाग जाए। मास्टर माइंड कोई दूसरा होता है, पत्थर चलाने वाला कोई दूसरा होता है। पत्थर चलवाने वाला हमेशा बैठा है। सर, महाराष्ट्र क्षेत्र का जो है ये लोग बहुत समझदार हैं और सब जानते समझते हैं। 80% लोग समझदारी हो, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट नहीं होने देते हैं, चाहे सरसौन कस्बा हो चाहे जरा सी भी ऐसी भनक भी मिले तो आप लोगों के लिए लोग ऐसा नहीं की कोई भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बाहरी व्यक्ति भी आकर के ऐसी अफवाह हम समझ नहीं पाए। तो करके होना चाहिए, वो हमको समझाया, हमारी समझ में आ गया, वो तो चला गया लेकिन हम बाधित हो गए। बिल्कुल तो करके निकल गया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है।
आप लोगों की वो सब जानकारी में होना चाहिए। मस्जिद अगर है, मस्जिद में कहीं बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी मस्जिद है जिसमें कोई कार्यक्रम ऐसा होता हो कि बाहर से लोग आते हैं, रुकते हो यहाँ पर, ऐसा अगर है तो वो जो भी हो उसकी पहली बात तो मेरा सभी से एक व्यक्ति वहाँ पत्थर चला रहा था, उसमें कोई हिंदू और मुसलमान नहीं था, वो सब पता थे, चाहे वो उसमें हिंदू पक्ष भी थे, उसमें मुस्लिम पक्ष भी था, कौन क्या सही है क्या गलत है वो सब अपने आप को सही बता रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि उस वायरल वीडियो ऐसे किया जाएगा कि देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थर चल रहे थे, हिंदू पक्ष की तरफ से पत्थर चल रहे थे, दोनों पक्ष अपना पत्थर चला रहे थे, दोनों गलत थे, दोनों फसादी थे, दोनों दंगाई थे, और जो भी कार्रवाई होगी वो निष्पक्ष रूप से होगी। और यहाँ ये भी मैं कह रहा, अगर यहाँ पर भी कुछ भी ऐसा होता है कभी भी भविष्य में कहीं पर भी आप रहोगे, तो जो भी कार्रवाई होगी वो बिल्कुल आउट राइटली जो है उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कौन किस समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, ठीक है, वो चाहे बिल्कुल उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम अपराधी की कोई जांच नहीं है। आप लोग घूमोगे वो तो करके भाग जाएंगे, मास्टर माइंड कोई दूसरा होता है, पत्थर चलाने वाला कोई दूसरा है, पत्थर चलवाने वाला हमेशा बैठा रहता है। ये लोग बहुत समझदार हैं और सब जानते समझते हैं, 80% लोग समझदार ही होते हैं, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आप लोग क्रिएट नहीं होने देते हैं, चाहे सॉल्व करता है चाहे जरा सी भी ऐसी भनक भी मिले तो आप लोगों के लिए लोग सबसे आसानी से आप लोग कुछ आज ही समुदाय का हो, ऐसा नहीं कि कोई भी हो, कोई भी बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, बाहरी व्यक्ति भी आकर के ऐसी अफवाह फैला रहा है, वो चार दिन हम समझ नहीं पाए आया तो गलत हुआ, करके होना चाहिए, वो हमको समझाया, हमारी फोन में आ गया, वो तो चला गया, लेकिन हम बाधित हो गए, बिल्कुल तो करके निकल गया, बिल्कुल सही कह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब, भारत।